मैं कमिन सर। यस ऑफ कोर्स मिस्टर मोल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, ये लें आपके लिए। वैसे तो मैं मिठाई का शौकीन नहीं, लेकिन आप कह रही हैं तो जरूर खाऊंगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। सॉरी उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, मेरी सास आई थी ना घर पर। आपकी सास? आई थिंक यू मीन आपकी बहन की सास। जहां तक मुझे पता चला आपकी बहन का निकाह हुआ है आपके कजन के साथ, राइट? नहीं नहीं, सारिम से मेरा निकाह हुआ है। ही इज माय कजन, उसी से निकाह हुआ है मेरा। क्या जी? मेरा निकाह मेरे कजन से हुआ है। आप शायद मजाक कर रही हैं मेरे साथ। नहीं सर, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी, इसीलिए तो इतने दिन की छुट्टियां नहीं थी, क्योंकि तैयारी भी मुझे खुद ही करनी थी, इतना टाइम लग गया इसी में। लेकिन आप फिक्र ना करें, एक दो दिन में सारा पेंडिंग काम खत्म कर दूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं बाकी सबको भी देकर आती हूँ। सर ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेटर हैं, इसमें आपके साइन चाहिए। मैंने आपसे कहा फाइल लाने के लिए? नो सर, आप साइन। तो फिर क्यों लाइए? गेट आउट। तो क्या खड़ी है? आई सेड गेट आउट। अरीबा, अरीबा, शानी की कॉल आई थी, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। शानी क्यों? क्यों क्या, तुम्हें शॉपिंग पे जाना है ना उसके साथ। उसकी कॉल आई थी, वो घर से निकल गया है, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने नहीं शॉपिंग पे जाना, उसे बोले कि जो भी उसे पसंद आता है ना वो खुद ही ले ले। क्या हो गया अरीबा, तुम्हें तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और अब तो तुम्हारी शादी की शॉपिंग होने जा रही है। मुझे तो लगा कि तुम बहुत खुश होगी और हर चीज अपनी पसंद से लोगी, लेकिन तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे शाजिया, कैसी बातें कर रही हो? अरीबा को शॉपिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा? वो तो पढ़ाई की परेशानी चल रही है ना, एग्जाम होने वाले हैं इसके, और सारी सारी रात पढ़ती है बेचारी, थक जाती है ना। तुम जाके वसीम को खाना दो, ये बस अभी रेडी होती है। जी अम्मी। क्या जरूरत पड़ी थी शाजिया को शॉपिंग का मना करने के लिए? क्या सोच रही होगी वो? अम्मी अगर मैंने शॉपिंग करनी नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? आप सफिया खाला से कह दें कि जो भी उन्हें पसंद आते ना वो ले ले। अच्छा, ताकि तुम बाद में सारी चीजें चेंज करवाओ। अरीबा, मंगनी की बात अलहदा थी, वो छोटी सी तकरीर थी, ये शादी है, लोगों को 10 काम होते हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारी चीजों के लिए पहले बाजार जाएं और दोबारा उसको चेंज करवा के लेकर आएं। अम्मी मैं कुछ नहीं चेंज करूंगी ना, प्लीज आप सफिया खाला से कह दें कि वो खुद पसंद करके ले लें जो लेना है, प्लीज। देखो चुपचाप तैयार हो जाओ और मैं ये ना सुनूं कि तुमने जाने से मना किया है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तैयार हो जाओ जल्दी।
इतना ही पीना मुझे। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा नहीं पीना मुझे, पीछे हटो। क्या हो गया, अंधे हो गए हो? सामने से आता हुआ नजर नहीं आ रहा? सॉरी सर। क्या सॉरी सर? इस घर में कोई ढंग से काम नहीं करता, तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। हटो मेरे रास्ते से। शाजिया आप ही देखें, मैंने अरीबा के लिए ये जोड़ा पसंद किया है, कितना खूबसूरत है ना। टेलर से कह के इस पे ये लेस भी लगवाऊंगी बॉर्डर पे, तो और भी प्यारा लगेगा ना। आप ही मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ क्या बात है भाई, क्या जोड़ा पसंद नहीं आया? नहीं अम्मी, जोड़ा तो बहुत अच्छा है। तो फिर क्या बात है, जब से आई हो परेशान सी लग रही हो। वसीम ने कुछ कहा है क्या? नहीं वसीम ने कुछ नहीं कहा, वसीम तो मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, मुझे शॉपिंग के लिए पैसे भी दिए और रोज कहीं ना कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं। चलो भैया तो शुक्र अल्लाह का, वसीम को इतना तो ख्याल आ गया कि तुम उस घर में खुश रहोगी तो उसकी बहन भी इस घर में खुश रहेगी। चलो इसी बहाने कुछ मसले तो हल हुए, अब वसीम और उसकी माँ तुम्हें बातें सुनाने से पहले 10 बार सोचेंगे। बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब उस घर में तुम्हारी कदर की जा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम परेशान किस बात पर हो। अम्मी मुझे अरीबा का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे उसे अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। कहना क्या चाहती हूँ? आपको पता है आज भी शानी के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए वो तैयार नहीं थी, वो तो अम्मी ने कहा तो चली गई। झिझक रही होगी, शादी के दिन करीब हैं, शर्मा रही होगी और क्या। रहने दे अम्मी, अरीबा और शर्म दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। कौन सी बात? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। अच्छा